बौली साहब सत्संग तैयार हो रही गोइंदवाल साहब सिखी का धुरा बौली साहब की खुदाई हो रही है अखीर सत्संग जिथे जल ने आना सी एक वड्डा कड़ कड़ कह लो वड्डा पत्थर वो सत्संग निकल आया पत्थर दे नीचे पानी हुण पत्थर बड़ा वड्डा कड़ है तोड़दे पए ने टुटण ते ना आवे सिखां ने जाके महाराज के चरणों च बेनती की महाराज नेड़े पहुंच गए हैं जल दे पर बड़ा वड्डा कड़ सामने आ गया हुण वो टुटे तो जल प्रगट हो आप जी कृपा करो महाराज आप जी बख्शिश करो कि कड़ किस तरीके ना टुटे महाराज कहन लगे कहिंदे माणक चंद नूं बुलाओ ये माणक चंद महाराज का बहुत अनल सेवक सी जी बहुत अनल मतलब मन वेचिया होया सी महाराज के चरणों च कई बारी वेख्या जांदा है सत्संगत बहुत शरीर कोल वसदे होंदे ने बहुत शरीर कोल रहिंदे होंदे ने पर शरीर दे नेड़े ही होंदे ने सत्संगत जी आत्मा दे नेड़े ने कई बारी वेख्या जांदा है नेड़े वसण वाला खाली रह जांदा है और दूर वसण वाला सत्संग सब कुछ ले जांदा है आखो सतनाम नेड़े वसिया और बचन नहीं कमाया पृथ्वी चंद नेड़े ही है ना जी पुत्र ही है और पुत्र तो नेड़े कौन होएगा एको घर च एको छत थले पर इन्नी नेड़े रहिंदिया भी सत्संगत बहुत दूर बहुत नहीं गुरु नूं कमा सके नहीं गुरु दे बचन कमा सके सास गुरु अंगद साहब महाराज बाबा लहणा जी सेवक बन के आए ने सेवक बन के आए बचन कमांदिया 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 घर दे मालक बन गए ते जेड़े महाराज दे सपुत्र सन एक छत दे थले रहण वाले नाल बह के प्रशादा छकण वाले उस तो नेड़े तां कोई नहीं होएगा ना जी मालक वो रह गया ते सेवक मालक बन गया घर दा मालक बच्चे ही मालक ने ना जी मालक खाली रह गए और सेवक सब कुछ लैके मालक बन गए जी बाबा लहणा जी दूजे गुरु नानक गुरु अंगद साहब बन गए जरूरी नहीं है कि नाल रह रह के मैं बहुत नेड़े हो गया ना बचन कमाण वाला नेड़े ये मैं भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा खन्ने वाले महापुरखों की रसना तो मैं गल सुनी कितने बैठे सन कोई गल होई होनी है दास भी उत्थे बैठा इदा वीर रस दे विच सन जी वीर रस दे विच ते महापुरख जो वीर रस विच भी होण ते कोई सिख्या ही देंदे ने ज्ञान ही देंदे इदा कहिंदे कहिंदे आ जिहड़े मेरे नेड़े तुरी फिरदे ने यह सोचते असी वीर जी के नेड़े नेड़े यह सोचते मेरे नेड़े नेड़े कहिंदे नेड़े वो है भावें सत समुंदर दूर बैठा है ना जे बचन कमा रहा है कहिंदे फिर साढ़े नेड़े तो वह होया आ जिहड़े तन करके नेड़े नेड़े ने कहिंदे वो नेड़े नहीं साढ़े आखो सतनाम बचन कमाण वाला सुनत कमावत होत तुधा एक कंसैप्ट है जी इत्थे महाराज कहन लगे कहिंदे माणक चंद नूं बुलाओ हुण आपे सोचो वो कैसी शख्सियत होणगे कि जिन्हां दा नाम महाराज ने पैंदे सट्टे महाराज ने माणक चंद दा नाम ले लिया आखो सतनाम वो किन्नी कु नेड़ता होएगी और किन्नी कु दयालता उहदे ते होएगी किन्नी कु बख्शिश माणक चंद ते धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दी होएगी कहिंदे माणक चंद नूं बुलाओ महाराज दा अनल सिख सी जी सिखी लई सी इहने गुरु नानक दा सिख बणिया सी धन गुरु अमरदास महाराज तीजे गुरु नानक दा सिख सी जी माणक चंद जदों आ के हाथ जोड़े
नेत्र नीवे ने जी पातशाह आप जी ने याद किया। कहिंदे माणक चंद बौली साहब की खुदाई करदे नूं कड़ आ गया, बहुत बड़ा पत्थर साडा मन है उन्हूं तुसी तोड़ो, तुसी तोड़ो। हाथ जोड़े चरणा च मस्तक रख, कहिंदे महाराज मेरी औकात नहीं मैं तोड़ सकता। जे कोई कवे माणक चंद तोड़ लेगा तो नहीं तोड़ सकता मैं। तुसी बल दिओ, तुसी रहमत दिओ, तुसी बख्शिश करोगे तो वह कड़ टुटेगा। माणक चंद नहीं तुहाडी मेहर उन्हूं तोड़ेगी। आखो सतनाम। माणक चंद नहीं तुहाडी मेहर उन्हूं तोड़ेगी। सिर ते हाथ रखिया महाराज कहिंदे जाओ कोई नहीं कड़ तोड़ो। हुण सात संगत बहुत वड्डा थोड़ा लिया, जान बहुत होनी है उन्हां दे अंदर। इक्को वार कीता कड़ नूं सात संगत भन के रख दिता। जदों इक्को वार दे विच कड़ भन्निया गया पानी दा ऐसा फुहार आया संभल ना सके ते पानी दे विच ही सात संगत डुब गए। ध्यान नाल सुणो, पानी दे विच ही डुब गए। बचाण वालिआं ने बचाण की कोशिश की पर बच ना सके जी, प्राण त्यागे। सिख दौड़दे आ गए महाराज के चरणों च, धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह के चरण। पातशाह भी कड़ तो भन्निया गया है पर पानी का एडा तेज फुहार आया कहिंदे वो संभल ना सके। माणक चंद ते पैर तिलकिया ते वो पानी दे विच की होया कहिंदे जी प्राण त्यागे। महाराज कहिंदे इदां नहीं हो सकता, महाराज कहिंदे इदां नहीं हो सकता, कहिंदे उन्हूं इत्थे लैके आ, इत्थे लैके आ। सूरज प्रकाश ग्रंथ दे विच सत्संग दी पंक्तियां आंदियां कहिंदे प्रभ किया बचन माणक नहीं मरे। आखो सतनाम। प्रभ किया बचन माणक नहीं मरे, लै आवे सनमुख मम तरे। कहिंदे साडे सामने साडे सनमुख लैके आओ, इत्थे धरो उन्हूं, ले आवे सनमुख कहिंदे मम तरे इत्थे लैके आओ जी पातशाह साहिब। माणक चंद दी साध संगत लोथ चक्की है ते लैके आ गए उन्हूं। हुण जदों साध संगत लैके आए सामने माणक चंद दी दे पई हुई है, हुण महाराज की मौज है सत्संग, महाराज की दयालता है। कहिंदे देख दयाल दया मन करा, ध्यान नाल सुनना जी, देख दयाल दया मन करा प्रभ दाहन चरण मस्तक तिस तरा। आखो सतनाम। प्रभ दाहन चरण मस्तक तिस तरा, अपने चरण माणक चंद दे मस्तक ते धरते। आखो सतनाम। अपने चरण मुबारक चरण माणक चंद दे मस्तक ते धरते। कहिंदे माथे प्रगट्यो पूर्ण भाग, ऊठ बैठा जन सोया जाग। आखो सतनाम। ऊठ बैठा जन सोया जाग। माणक चंद जदों महाराज ने चरण स्पर्श किए अपने पावन पवित्र चरण स्पर्श किए, महाराज ने कहा उठो माणक चंद, इदा उठ के बैठे जिमें सुता जा गया पिया हो। आखो सतनाम। सुता जा गया पिया हो, उठ के बह गए, इधर उधर वेखन लगा। कहिंदे की होया, की होया, पता ही नहीं कि मैं। कहिंदे जी की होया, जदों महाराज के दर्शन किए चरणों ते डिग पिया। कहिंदे महाराज तुहाडी मेहर होई, तुहाडी बख्शिश होई, कड़ भन्निया गया। आखो सतनाम। कड़ भन्निया, महाराज ने सीने नाल ला लिया, सीने नाल ला लिया। हुण कई इस चीज ते संसा करते होने, कई संसा करते होने बई आ की महाराज ने अजमत दिखाई। यकीन जाने हो सात संगत जी, मेरे साहेब चाण धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहिंदे ने, की कहिंदे ने, सतगुर मेरा मार जीवाले, सतगुर मेरा मार जीवाले, सतगुर मेरा मार जीवाले, सतगुर
मार दीवाने। सतगुर मेरा सर्व प्रत पाले, सतगुर मेरा सर्व प्रत पाले, सतगुर मेरा सर्व प्रत पाले, सतगुर मेरा सर्व प्रत पाले। मृतक को पायो तन सासा, पायो तन सासा, तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी है। मृतक को पायो तन सासा, मृतक को पायो तन सासा, बिछरत आन मिलाया, बिछरत आन मिलाया, बिछरत आन रब पावे बिन सास तेरा खै, रब पावे बिन सास तेरा खै। रख सकते ने साहेब मृतक नू, जिवाल सकते ने साहेब आप रब ने, मौज है मालकां दी जी, मौज है मालकां। जदों सिर ते हाथ रखिया साहब ने, प्यार कीता घुट के गलवकड़ी ना लाया, यकीन जाने ओ सस जो लिखत च लिखिया, कपाट खुल गए, अंदर दे कपाट खुल गए, अगम निगम दी सोजी हो गई, दिस पिया जेड़ा कुछ दिसण वाला सी। महाराज ने बहुत प्यार दिता, बहुत प्यार दिता, ते नाल ही हुक्म कीता, कोल ही सात संगत माई दास खड़िया सी, माई दास एक सेवादार, इहदी भी बड़ी प्यारी एक साखी है, यह भी अनल सेवक सी धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी का। माई दास, माई दास नूं कहण लगे, कहिंदे माई दास माणक चंद का संग करियो, दोनों रल के संगत करियो, आत्मक रस दे हुलारे माणियो। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਾਈ ਦਾਸ ਦਾ ਔਰ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਮੰਜੀ ਥਾਪੀ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਮਾਈ ਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਦੁਆਰਕਾ ਇਹਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਆਰਕਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੀ, ਦਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲੀ ਇਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਸਿੱਧਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਾਂਗਾ, ਨੀਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕੋਗੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਕਾ ਚਲਾ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ।
माण करिए सासंगत। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने एको खंडे बाटे दे विच सारयां नूं एक समान कर दिता, को सतनाम एक समान। इन गरीब साहिब कहिंदे इन गरीब सिखन को दियो पातशाही, याद करें हमारी गुरियाई। कोई आ जावे सात संगत, भावे नीवी जात भावे उच्ची जात, अमृत छक लवे इत्थे बह सकदा है, आखो सतनाम लंगर छक सकदा। बराबरता है, सन्मानता है सात संगत। बल्कि एक पासों बाटा शुरू कर कीता जांदा है, ऐ लग करतार बना के सात संगत, थोड़ा थोड़ा सारे छकते जाते, इको बाटे तो अमृत छकाया जाता है। उत्थे कोई नीवा कोई उच्चा कुछ नहीं देखा जाता सात संगत। पर वैसे भी गुरबाणी नीवी जात वाले उस बंदे नूं नीवा जात वाला समझदी है जिदे कोल परमेसर दा नाम नहीं। आखो सतनाम, जिहड़ा बंदगी नहीं करदा। महाराज कहिंदे नीवा ओ है, जात उहदी नीवी है, भावें दुनियावी करके बहुत उच्ची जात वाला होवे, पर उच्ची जात वाला भी जे नाम नहीं जपदा कहिंदे उहदी जात ते कलंक है, नीवी जात वाला है। आखो सतनाम, जिहदे कोल परमेसर दा नाम नहीं। ते जे नीवी जात वाला नाम जप रहा है, बंदगी कर रहा है, इबादत कर रहा है, कहिंदे उहदे वर्गी जात किसी की हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। महाराज ने कोई फर्क नहीं रखिया, सब तो उपर किनू रखिया, नाम जपण वाले नू, बंदगी करन वाले। हुण माई दास ने सात संगत, वह कहिंदे भाई दर्शन नहीं ना सही, लंगर मैं नहीं छकना। वह चला गया जी द्वारका श्री कृष्ण जी के दर्शन करने वास्ते। उधर जो दर्शना करने लिए सात संगत है, अध्यात्मक सी, है अध्यात्मक सी, पहुंच सी जी ये। जदों द्वारका पहुंचिया ना जी, हर साल जदों जाना इन्हें बड़ा रस इनू आना, बड़ा आनंद आना, बहुत खेड़ा बनना, उत्थे मन करके इन्हें जुड़ना। अज सात संगत जदों पहुंचे है, वह खेड़ा नहीं, वह आनंद नहीं, वह अंदर का वह सुरूर नहीं, बड़ा जोर लाया, बड़ा जोर लाया। जदों हाथ मन अरदास की अंदरों, हे श्री कृष्ण भाई वह रस क्यों नहीं, वह आनंद क्यों नहीं, वो तुहाडे दर्शनां दा रस मैनू क्यों नहीं आ रहा, एडी लालसा रख के मैं एडी दूरों तुहाडे दर्शन करन लई आया महाराज, ते ओह आनंद क्यों नहीं। कहिंदे कन्नां च इक धुनी गूंजी जी, आवाज़ गूंजी, कहिंदे रब आप धरती ते गोविंदवाल साहब गुरु अमरदास दा रूप धार के बैठे, रब आप वो कन्ना च धुनी गूंजी। कहिंदे उन्हां दे दर्शन छड़ के मेरे दर्शनां नूं आया, ध्यान नाल सुनना, उन्हां दे दर्शनां नूं छड़ के, उन्हां दे दर्शन नूं छड़ के मैनू मेरे दर्शन करना है। जा उत्थे जा, तेरी गति उत्थे होनी है। आखो सतनाम, कन्ना च तेरी गति उत्थे होनी। सात संगत माई दास ने उदा ही सात संगत पुठे पैरी दौड़ ला ली। गोविंदवाल साहब आए, प्रशादा छकिया, सीधा चरणा ते जाके डिग, जदों चरणा ते जाके डिगया माई दास प्रणाम किया, नकमस्तक होया, महाराज ने मोढ़िया तो चकिया सात संगत। उस वेले ओही आनंद, ओही सुरूर, ओही रस, ओही खेड़ा जो उनु द्वारका च मिलता सी इथे आया। आखो सतनाम, मन मन गया, मन मन गया, धन गुरु अमरदास महाराज के चरणा ते विक गया, मन मन गया, विक गया गुरु अमरदास महाराज के चरणा च, सिखी धारण कर ली, सिख बन गया। हुण जदों माणक चंद नूं माण दिता, नाल माई दास नूं नाल रला लिया, महाराज ने कहिंदे तुसी दोनों संगत रल के संगत को, रल के रस माणो, रल के आनंद माणो। फिर समा आया सात संगत जदों सिखी दे प्रचार वास्ते सिख कले, फिर उन्हां प्रचारां प्रचारकां दे विच इन्हां दोनों नूं, माणक चंद नूं भी और माई दास नूं भी, इन्हां दोनों नूं सात संग मंजी थापी प्रचार लई भेजिया कि जाओ
सिखी का प्रचार करो सास सिखी का प्रचार। जदों माणक चंद नूं जीवित किया सारे ने दसिया भी इदा तेरे प्राण निकल गए इदा महाराज ने तेनों जीवन दान दिता। उदों सास संगत सारियां दी रसना ते धन गुरु अमरदास महाराज धन गुरु अमरदास महाराज धन गुरु अमरदास महाराज कहांगे सास संगत माण दे नाल कहांगे धन गुरु अमरदास महाराज सचे पातशाह जी नूं। और कोई रसनावां जी नारे गज वज के बोलियो जी तू सच्चा साहिब अति वड़ा तू सच्चा